नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टाल पर। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। चलिए जान लेते हैं फटाफट बड़ी खबरें। हिमाचल में भाजपा का घोषणा पत्र जारी, सम्मान नागरिक संहिता, 8 लाख नौकरियों का किया वादा। पाकिस्तान में बुलेट प्रूफ कार से घूमेंगे चीनी श्रमिक, शीपेक प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला। कोवैक्सीन की 5 करोड़ खुराक बर्बाद होने की कगार पर भारत बायोटेक ने खुद बताई वजह। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट के करीब आ रहे राज ठाकरे, कई मौकों पर मिले संकेत। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई शहरों में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.7 रही तीव्रता। श्रीलंका का बल्लेबाज धनुष का गुनाथिला का ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार, दुष्कर्म का लगा है आरोप। 60वें दिन फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के साथ दिखे प्रशांत भूषण। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया, शाहीन अफरीदी चमके। सुधरेगी चीनी मिलों की स्थिति, भारत सरकार ने 60 लाख टन तक चीनी के निर्यात को दी अनुमति। वित्त मंत्री सीतारमण बोली, पीएम मोदी की वजह से राज्यों को टैक्स का 42% मिलता है हिस्सा, कश्मीर पर भी दिया बयान। आरबीआई रेपो दर में कर सकता है वृद्धि, पंजाब एंड सिंध बैंक का शुद्ध लाभ हुआ 278 करोड़ रुपए। वायुसेना अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आज से कर सकते हैं आवेदन। चुनाव में सिर्फ 2000 ही खर्चा कर सकेंगे प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने तैयार किया प्रस्ताव। टीएमसी नेता की निर्माणाधीन बिल्डिंग पर देसी बम से हमला, 2 राजमिस्त्री घायल, जांच में जुटी पुलिस। पी चिदंबरम ने बोला पीएम मोदी पर हमला, कहा राष्ट्रपति आधारित शासन लाना चाहती है भाजपा। ओडिशा में 650 माओवादियों के समर्थकों ने किया सरेंडर, हिंसक वारदातों में करते थे मदद। कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के लिए पुलिस को दिया जाए प्रशिक्षण, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। गुजरात के वलसाड में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, विभाग कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। कश्मीर के मर्ज का नहीं चला पता, रियासतों का ताना बाना और सत्ता साझा करने से जुड़े समझौतों की नियत। दिल्ली में सैन्य कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत चीन संबंधों पर तैयार होगी कार्य योजना, अधिकारी बना रहे नई रणनीति। 1 संसदीय व 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 5 दिसंबर को। ओटीएस योजना में और वक्त की मांग, बकायेदार का अधिकार नहीं, कोर्ट ने फैसले को किया निरस्त। मेक 2 में सेना के 43 प्रोजेक्ट, 17 प्रोजेक्ट उद्योगों से मिले प्रस्तावों पर शुरू, 18,000 करोड़ हो रहे खर्च। राहुल गांधी बोले देश में 2014 के बाद से बेरोजगारी, महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। बेंगलुरु में भाजयुमो नेता की हत्या के मामले में पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार, कन्नड़ और मैसूरू मारे गए छापे। सीओपी 27 मिस्र में आज से, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व। बीएसएफ ने वन्य पक्षियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया, 4 दीवारी विवाद पर पड़ोसियों पर हमला। फडणवीस का बड़ा बयान, बोले 2024 का चुनाव सीएम शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गुजरात में मोरबी कोर्ट ने आरोपी की रिमांड अर्जी खारिज की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने की थी यह मांग। कांग्रेस कर्नाटक प्रमुख को ईडी का नया समन, 7 नवंबर को पेश होने को कहा। असम में ड्रग तस्करों के पास से 5 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जब्त, 2 लोग गिरफ्तार।
गुजरात भाजपा अध्यक्ष का बड़ा बयान, बोले मौजूदा एमपी एमएलएज के रिश्तेदारों को नहीं टिकट नहीं। निर्मला सीतारमण बोली आत्मनिर्भर भारत के लिए राज्यों की वित्तीय मजबूती जरूरी, हथकरघा उद्योग पर कही यह बात। इंडियन आर्मी की खड़ग स्ट्राइक कोर ने सैन्य अभ्यास में दिखाया दम, आईएफआर के लिए नौसेना प्रमुख जापान में। दाऊद छोटा शकील सहित तीन अन्य आतंकियों के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट पेश, एनआईए की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री बोले मुफ्त रेवड़ियां बांटने का वादा कर रहे कुछ राजनीतिक दल, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर। लॉटरी मामले में सीबीआई ने जेल में अनुब्रत मंडल से की पूछताछ। बंगाल में बिमल गुरुंग बोले गोरखालैंड की समस्या का समाधान करने वालों को देंगे 2024 में समर्थन। गोला गोरखनाथ सीट पर खिला कमल, सपा की करारी हार, 34,298 वोटों से जीते अमन गिरी। बलिया में सीएम योगी जनसभा में बोले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने देश में बलिया को दी नई पहचान। दिल्ली एनसीआर की सेहत में सुधार नहीं, लगातार जहरीली हो रही हवा। उपराज्यपाल ने की आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को हटाने की सिफारिश, गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। आपकी उपराज्यपाल सक्सेना को चुनौती, कहा चुनाव लड़कर दिखाए एलजी, पता चलेगी जनता की ताकत। उत्तराखंड में दावों वादों और भाषणों में ही बना ऊर्जा प्रदेश, 22 साल में भी पूरा नहीं हुआ सपना। हिमाचल में भाजपा के घोषणा पत्र में स्कूटी साइकिल 33% नौकरियों में आरक्षण, मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा किया। सीएम भूपेश बघेल बोले छत्तीसगढ़ राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम मिलना शुरू, अब है हिमाचल की बारी। जम्मू कश्मीर में डेंगू के 140 नए मामले मिले, आंकड़ा 6,000 के पार। कश्मीर में आतंकी कमर टूटी, खोई कमान को बहाल करने के लिए पाक ने बदली रणनीति। पंजाब में 16 हिंदू नेताओं और 25 सियासी नेताओं की सुरक्षा की होगी समीक्षा, विशेष कमेटी गठित। हरियाणा के आदमपुर में पहली बार लहराया भगवा, भव्य बिश्नोई के सहारे भाजपा की शानदार जीत। चंडीगढ़ में एनडीए ने नहीं जताया सरकारी सिस्टम पर भरोसा, पेपर लीक के डर से सुरक्षा तक नहीं ली। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र पर लगाया पक्षपात का आरोप, बोले सहयोग नहीं कर रही मोदी सरकार। बिहार के 4,000 से ज्यादा गैर पंजीकृत मंदिरों ट्रस्टों का होगा पंजीकरण, समयानुसार में पूरा करना होगा काम। झारखंड के राज्यपाल को हटाने की मांग, भाकपा माले ने एटम बम से जुड़ी टिप्पणी पर जताया ऐतराज। चलिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।